नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीव राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 47, तो एक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, क्योंकि वहाँ पर देखिए इसका मान दिया होता था और जो है इसका मान निकालना रहता था, यानी कि एक्स प्लस 1/x का मान दिया रहता था और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया हुआ है और हमको एक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 47, और फिर क्या करेंगे, देखिए इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि जिसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी है उसी का हम जो है स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा आगे, प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/x², और फिर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 2 × x × 1/x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमको जो है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको इधर जो ये संख्या है इसको इसी तरीके से शेष रखना है, यानी कि एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर जो है 47 लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पर देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर केवल बचा है 2, क्योंकि 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से यही संख्या उतार लेंगे, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 47 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर √49 हो जाएगा। और जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर 7 × 49 होता है, यानी कि वर्गमूल हमारा 7 निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमको एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो ये वैल्यू हमको पता चल जाएगी जो है कितनी आ जाएगी, 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस y बराबर 10 है और फिर एक्स वाई बराबर 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए दो मान दिए हुए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समीकरण लेंगे, यानी कि ये समीकरण एक दी हुई है, इसी समीकरण को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है और इसी का हम कर देंगे वर्ग। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, वर्ग करने पर तो देखिए वर्ग करने पर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, फार्मूला खोल देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो देखिए 2xy हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर है तो 10 × 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और प्लस यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 24 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100। और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए ये जो 24 है 24 का 2 के साथ में गुणा होगा तो 24 दुन्ना 48 हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप यहाँ पर हम कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 और 2 का गुणा होगा तो 24 दुन्ना 48 हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये साथ में हम हल कर रहे हैं, यानी कि गुणा भी हो जाएगा और उधर पक्षांतर भी हो जाएगा, तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखिए 100 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 52, और हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, 102 का स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चन बता भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और उन क्वेश्चनों में अंतर है, और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हम रखे हैं। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, तो उसी फार्मूले बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उतार लेंगे, 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 102 रखेंगे और बी की जगह पर 98, तो देखिए ए प्लस बी हो गया, और इसी को ए माइनस बी के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 102 माइनस 98। अब देखिए 102 में 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और फिर बीच में यहाँ पर देखिए गुणा है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 102 में से 98 घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 98 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा है तो 2 और जुड़ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो देखिए 102 में से 98 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दुना 8 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आगे बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से 800 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना है, 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, देखिए आयु जब भी मानते हैं हम वर्तमान ही मानते हैं, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पर हम जब आयु से संबंधित क्वेश्चन मान करके करते हैं तो हमेशा जो है वर्तमान आयु ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष है, यहाँ पर दिया हुआ एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना है, तो यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु मान चुके हैं एक्स वर्ष है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो देखिए कहा गया है 2 गुना है, तो यहाँ पर इसका 2 गुना कर देंगे तो 2x वर्ष हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर हम 20 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 वर्ष पूर्व। तो देखिए 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु, तो देखिए मान लीजिए पुत्र वर्तमान में एक्स वर्ष है, तो 20 वर्ष पूर्व यानी कि 20 वर्ष उसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगी पुत्र की आयु यानी कि 20 वर्ष पहले की आयु, और फिर यहाँ पर निकालेंगे पिता की आयु, तो
तो देखिए पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में पिता कितने हैं 2x वर्ष के हैं, तो यहाँ पर इसमें से भी जो है 20 घटा देंगे, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष पूर्व की आयु। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, अब प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर समीकरण बना लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर में लिख लेंगे, x माइनस 20 बराबर 2x माइनस 20, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ेंगे, 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो देखिए ये दोनों की 20 वर्ष पूर्व की आयु है, और कहा गया है कि जो पिता है वो 20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, यानी कि ये पिता की उम्र है और ये 12 गुनी बड़ी है, तो इसको अगर हम 12 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगे। देखिए यहीं पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो मेन सवाल होता है वो यहीं पर होता है, यानी कि इस 12 का गुणा ज़्यादातर स्टूडेंट इधर कर देते हैं और इसीलिए क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो है आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा है, यानी कि दोनों बराबर में तभी रह सकते हैं जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर हों, और ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पिता हमेशा बड़ा होता है, यानी कि पुत्र से छोटा तो पिता हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमेशा जो है अगर कहा जाए 2 गुना 4 गुना इस तरीके से कुछ कहा जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर पिता की तरफ ही जो है उम्र ज़्यादा होगी, तो हमको जो है उसको जो है और किसी संख्या से गुणा करके उसको और ज़्यादा उम्र का नहीं करना, हमको क्या करना है दूसरी तरफ जो है कुछ जोड़ना या घटाना या गुणा करना है, यानी कि हमको हमेशा जो गुणा करना रहता है वो पुत्र की आयु में ही करते हैं या जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर देखिए 20 वर्ष पूर्व की उम्र है और 12 गुना बड़ा था, यानी कि पिता 12 गुना बड़ा था, तो हम पुत्र को 12 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। अब देखिए समीकरण बन चुकी है, अब सिर्फ आपको हल करना है, तो देखिए इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पर 12 का इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12x, और फिर यहाँ पर 12 दुना 24 हो जाएगा, और 1 0 है 1 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस का 20 हो जाएगा, और इस 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 12x और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस का 20 है और इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 240 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12x में से 2x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 240 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब x को इधर ही रखेंगे और 10 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 10 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा तो 220/10 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से x बराबर 22 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको पिता की उम्र और जो है पुत्र की उम्र दोनों निकालनी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में हम लिख लेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 22 आया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 22 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, तो देखिए 2x है तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे 22 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 22 दुना 44 हो जाएगा, तो यानी कि पुत्र की आयु 22 वर्ष हो जाएगी और पिता की आयु 44 वर्ष हो जाएगी, तो इस प्रकार से दोनों की उम्र निकल आएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 184 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के 7वें भाग से 8 अधिक हो। संख्या 184 को 2
भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग से आठ अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहला भाग बराबर, देखिए दो भागों में बांटना है 184 को, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना पहला भाग बराबर, माना पहला भाग बराबर हो जाएगा x और तथा दूसरा भाग लिख लेंगे, तथा दूसरा भाग बराबर हो जाएगा, देखिए पहला भाग जब हो जाएगा x तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 184 माइनस x, यानी कि 184 को ही दो भागों में बांटना है। तो अगर पहला हम x मानेंगे तो दूसरा अपने आप 184 माइनस x हो जाएगा, यानी कि 184 में से x को घटाएंगे तो जो बचेगा वही दूसरा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम मान लेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और फिर समीकरण को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई, तो देखिए एक भाग हम माने हैं एक्स, तो एक्स का क्या कर देंगे तिहाई, तिहाई का मतलब 1/3, तो देखिए 1/3 यानी कि 1/3 कर देंगे। तो क्या कहा गया है एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग, तो देखिए दूसरा भाग है 184 माइनस एक्स और इसका सातवां भाग हो जाएगा 7/7, तो देखिए सातवें भाग से आठ अधिक हो। तो देखिए पुनः एक बार समझ लीजिए, संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई, तो देखिए एक भाग का तिहाई हो गया दूसरे भाग के सातवें भाग से, तो देखिए दूसरे भाग का सातवां भाग हो गया सातवें भाग से आठ अधिक हो, तो देखिए आठ अधिक ये है और हमको क्या करना है इसको बराबर में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आठ अधिक है और बराबर में हमको रखना है, तो या तो आठ इसमें से घटाओ और या तो आठ इसमें जोड़ो, तभी दोनों बराबर में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आठ इसमें से घटा देंगे, ये देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, आठ इसमें से घटा देंगे, अब दोनों जो है बराबर में संख्याएं रह सकती हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए एक्स माइनस आठ त्रिक 24 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और इधर देखिए हो जाएगा 184 माइनस एक्स और 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7x माइनस यहाँ पर 7 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 और 15 1 16 यानी कि 168 हो जाएगा, और फिर देखिए 3 का 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 का 2 और फिर 8 त्रिक 24, 1 25 का 5 और 3 एकम 3 और 3 2 5, तो यहाँ पर 552 हो जाएगा, और माइनस और यहाँ पर 3 का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा -का 3x। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 7x और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, 7x को इधर ही रखेंगे और जो है 3x को इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस की संख्या है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो देखिए प्लस का हो जाएगा 3x, और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इस 168 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 552 है और जो है प्लस का हो जाएगा 168। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा 10x, और बराबर यहाँ पर देखिए 552 में 168 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12, 12 का 2 हो जाएगा, और 5 1 6 और 1 7 यानी कि 720 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे x इधर ही रखेंगे और जो है 10 को उधर भेज देंगे, तो देखिए 720/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 10 है वो x के साथ में गुणा कर रहा था तो उधर जाएगा भाग करेगा, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना था, पहला भाग और दूसरा भाग निकालना था, तो देखिए पहला भाग हमारा क्या आ जाएगा,
क्योंकि पहला भाग एक्स माने थे, तो यहाँ पर पहला भाग आ जाएगा, पहला भाग बराबर 72 आ जाएगा, और दूसरा भाग बराबर हो जाएगा, देखिए 184 माइनस कितना है, एक्स है, यानी कि माइनस 72 हो जाएगा। तो 184 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर 1 बचा यानी कि 112। तो देखिए पहला भाग हो जाएगा 72 और दूसरा भाग हो जाएगा 112, और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रमेश और सलीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती है तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आए कि जो है आयु का अनुपात दिया हो, तो यहाँ पर हम देखिए किस तरीके से मानते हैं। यहाँ पर देखिए रमेश और सलीम की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसी क्रम में मान लेते हैं कि माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर, माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर, देखिए रमेश पहले दिया हुआ है, यानी कि जो है रमेश का जो अनुपात दिया हुआ 5 और सलीम का 7, तो यहाँ पर रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x, यानी कि इसी हिसाब से हम मान लेंगे रमेश की वर्तमान आयु 5x मान लेंगे, और सलीम की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, यहाँ पर देखिए रमेश की आयु कितनी है, 5x है, और इसको कहा गया है 9 वर्ष अधिक कर दिया जाए, बराबर क्या है, सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती है, तो यहाँ पर देखिए सलीम की आयु 9 वर्ष कम कर देंगे, तो देखिए क्या होता है, सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती है तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी। तो रमेश की आयु जो होगी, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहीं पर गलती होती है, तो देखिए आखिरी कंडीशन क्या दी हुई है, तो रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी। रमेश की आयु ये है, रमेश की आयु सलीम की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि 2 गुनी ये है, तो हमको क्या करना है, इसको 2 गुना करना है, यानी कि जो ऑलरेडी 2 गुनी है तो उसको हमको 2 गुना करके और नहीं बड़ा करना है। यहाँ पर हमको बराबर का चिन्ह देखिए लगा है, तो हमको बराबर के चिन्ह के हिसाब से क्या करना है कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रमेश की आयु है उसको कहा गया है कि ऑलरेडी 2 गुना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इधर 2 गुना करना है, और इधर अगर कुछ करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 से भाग, तब बराबर हो सकता है, या तो इधर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी और वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि हम उसी एक्स की वैल्यू से ही रमेश की वर्तमान आयु और सलीम की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x+9 बराबर, यहाँ पर देखिए इस 2 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 7 × 2 = 14x और -9 × 2 = 18, और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5x, देखिए जो है 5x को इधर ही रखेंगे और 14x को उधर से पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 14x, और इधर है माइनस का 18 और इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x में से 14x जाएगा, तो देखिए 5x छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 14x में से 5x को घटा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या
बड़ी है, माइनस का 9x आएगा और बराबर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस की संख्या है, इसलिए माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि माइनस की संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। तो यहाँ पर देखिए 18 में 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 18 9 27 हो जाएगा, तो माइनस का 27 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 9x बराबर 27 आ जाएगा। अब देखिए x को इधर ही रखेंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और फिर देखिए 9 इसके साथ में गुणा कर रहा तो 9 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए उधर जाएगा 9 तो भाग करेगा तो 27/9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x बराबर 9^27 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकल आएगी 3। और अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू से हम जो है रमेश की वर्तमान आयु और सलीम की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः रमेश की वर्तमान आयु बराबर रमेश की वर्तमान आयु बराबर देखिए कितना दिया हुआ था, 5x दिया हुआ था, तो 5 × 3 कर देंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सलीम की आयु निकाल लेंगे, तथा सलीम की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 7x। तो यहाँ पर देखिए 7 × x, x का मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सलीम की आयु आ जाएगी 21 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष, और सलीम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।